नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आपके सामने ठीक है ना भूगोल विषय जो है उनको अध्यापन करवा रहा हूं। अपने को भारत का भूगोल अपन पढ़ रहे थे लेकिन बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम है भैयाओं के, इसलिए अपने को प्रैक्टिकल का विषय अपन विषय पे वीडियो बना रहे थे। देखो तो प्रैक्टिकल पे अपन चल रहे थे, लास्ट जो विधि हमने पढ़ी थी ठीक है ना, वो पढ़ी थी शायद तारीख प्रत्यारेख हमने बनाना, पाई चार्ट या पाई डायग्राम हमने बनाना सीख लिया था। अब आपके एक और जो आपके सिलेबस में है वो है आपके प्रवाह सचित्र है ना, फ्लो चार्ट कहते हैं इसको है ना, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम कह सकते हो आप है ना। अब ये फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनता है या कैसे बनाएंगे वो आप देखें ध्यान से है ना। इसके लिए अपने को प्रैक्टिकल के मैं क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपना, जो ये आपके प्रैक्टिकल की बुक में दे रखा है आपके ना, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है कि दिल्ली से जुड़े है ना क्षेत्रों और मार्गों में रेलगाड़ियों की संख्या है ना, ये दे रखा है। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, तीन चार चीजें बताऊंगा उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। पहला जो है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, इनके बीच जो ट्रेनें चलती हैं वो है 50 ना। दूसरा जो है नई दिल्ली से निजामुद्दीन तक ट्रेनें चलती हैं आपके 40 ना। तीसरा जो है निजामुद्दीन से बदरपुर, निजामुद्दीन से बदरपुर ट्रेनें चलती है आपके 30 है ना। उसके बाद है सरोजनी नगर से पूसा सड़क, सरोजनी नगर से पूसा सड़क ये चलती है 8 है ना। इसका मतलब है बहुत सारे डाटा, 16 डाटा दिख रखे हैं आपको, मैं चार बना के बता रहा हूं है ना। फिर आगे पूसा सड़क से दे रखा है, पूसा सड़क से दे रखा है पहलाजपुर ठीक है ना, ये दे रखा है आपके 15 ट्रेन है ना। फिर आगे पुरानी दिल्ली से आपके दे रखा है सीलमपुर है ना, 33 ट्रेन ठीक है। फिर सीलमपुर से नंदनगिरी ये दे रखा है आपके 21 ट्रेन, पुरानी दिल्ली से पूसा सड़क ये दे रखे हैं आपके 22 किलोमीटर ठीक है। नवा पुरानी दिल्ली से शालीमार बाग ये दे रहेगा आपके 16। दसवा पहलादपुर से आलम विहार ये दे रखा आपके 12। ये 16 आंकड़े दिए, इसमें से 10 आंकड़े मैंने आपके सामने लिए है ना। अब आप देखोगे
इसमें जो है आपके हाईएस्ट और लोएस्ट कोई भी मैप का अपन स्केल लेंगे, स्केल लेने के लिए अपने को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यानी मिनिमम और मैक्सिमम को ध्यान में रखना है। ये जो आंकड़ा है जिसमें मिनिमम ट्रेन जा रही है ये ना सरोजनी नगर से पूसा सड़क तक, ठीक है ना, और मैक्सिमम जो है आपके, ठीक है ना, वो आपके पास शायद पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक 50 ना। एक दूसरा प्रवाह आरेख के अंदर जिसको आप फ्लो चार्ट भी कहते हैं या यातायात प्रवाह आरेख भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है ना, सड़कों जो रेलों की संख्या निकालने के लिए या बसों की संख्या निकालने के लिए काम में आता है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसा अपन स्केल ले मापक ले जो इन दोनों को जस्टिफाई कर सके, है ना, यानी 8 भी उसमें आ जाए और 50 भी उसमें आ जाए ना। मैं अगर मापक लू आपके सामने 1 mm बराबर 1 बस, सॉरी ट्रेन है यहां, है ना, 1 ट्रेन, ये अगर मैं मापक लू तो यहां 50 ट्रेन के लिए 50 mm आ जाएगा। 50 mm का मतलब है 5 cm, 5 cm काफी मोटी रेखा होती है ना, 5 cm देखें ना स्केल के अनुसार देखें आपके ना, तो 5 cm आपके इतनी मोटी रेखा होगी यहां से लेकर यहां तक, काफी चौड़ी सड़क बन जाएगी, है ना, इसलिए आप ये नहीं ले सकते हो, है ना, इस प्रकार का आपको ठीक है ना इतना बड़ा नहीं ले सकते। चलो 1 mm बराबर आगे मापक एक और लेके देख लेता हूं मैं ना, 1 mm बराबर 5 ट्रेन ले सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी क्या होगा कि आपके यहां आएंगे ना तो 5 का भाग आप देंगे, देखो 1 mm बराबर 5 ट्रेन है ना, तो इसका मतलब 10 mm कि आपके 50 में भाग देंगे 10 आएगा ना, यानी 1 mm बराबर 1 ट्रेन है तो 50 mm आएगा, अब 5 का भाग देंगे 25 mm आएगा आपके पास। 25 mm की रेखा कितनी होती है एक बार चेक कर लेते हैं ना स्केल से ना, 25 mm यानी यहां से लेकर ना यहां तक हो सकता है, चार्ट के हिसाब से तो ठीक ही है ना, लेकिन फिर भी कॉपी के हिसाब से ज्यादा है, मेरे पास तो बोर्ड बड़ा है तो बड़े बोर्ड में तो ये ठीक है मैप, लेकिन कॉपी के हिसाब से ये कम मतलब बड़ा दिख रहा है। आपको कॉपी में लेना है तो आप सीधा कर सकते हो कि 1 mm बराबर 5 की जगह क्या करेंगे 10 ट्रेन, ठीक है ना, केवल इस 8 के लिए अपने को दिक्कत आएगी, बाकी सब के लिए कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी ना, किसी के 2 mm खींच सकते हैं, अब भाग देंगे सब क्या ना, इसमें भी आप 10 ट्रेन लिया ना तो 10 का अपन भाग दे देंगे इसमें ना, तो आपके 5 mm की रेखाएं आएगी, देखो है ना, तो आप पहले से आप डिसाइड कर ले कि आपको कितना क्या करना है ना, पहले मापक लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का अपने को ध्यान में रखना है, मिनिमम मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए करना। अब इन तीनों में से जो भी आपको उचित लगे, बड़ा चार्ट है आपके पास ना तो आप ये लेंगे ना, छोटी कॉपी है तो आप ये लेंगे एक्सेल कॉपी के हिसाब से ना, ऊपर वाले को आपको नहीं लेना है काफी बड़ा हो जाएगा ना, इन तीन मैप का मापक अपन ध्यान में रखते हैं। मापक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर का अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, हमने जो भी मापक डिसाइड करना है वो कर लो। मान लो हमने ये जो है 10 ट्रेन वाला मापक डिसाइड किया ना, वही 1 mm बराबर 10 cm ना, 10 ट्रेन सॉरी, तो आपके 50 में आप 10 का भाग दिया तो 5 mm की रेखा आएगी, है ना, 5 mm तो खींच सकते हो आप, 5 mm कितनी होगी स्केल में देख लो, है ना, ये आपके 5 mm
ठीक है, सॉरी 50 में आपका 10 को आपने भाग दिया है ना, हाँ तो लगभग लगभग 5 एमएम की रेखा उसमें आएगी है ना, तो 5 का भाग देते थे तो 10 एमएम आती थी है ना। देख लो एक बार वापिस ना, ये 50 ट्रेने हैं आपके सामने ना, ये जो है 50 ट्रेन है ना, मापक है 1 एमएम बराबर 10 ट्रेन ना, तो 50 ट्रेन बराबर क्या होगा ना कि आपको 10 का भाग देना है। हाँ तो देखो अपन लेंगे मापक 1 एमएम बराबर 5 ट्रेन, पहले मैंने जो मापक लिया था 1 एमएम बराबर 10 ट्रेन उससे काफी छोटा बन रहा था अपने को ना, इसलिए आप ये मापक लेना 1 एमएम बराबर 5 ट्रेन। अब आपको 50 ट्रेन निकालनी है ना, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, तो आप लिखोगे चूंकि है ना 5 ट्रेन प्रदर्शित होती है बराबर 1 एमएम द्वारा है ना, इसीलिए एक ट्रेन प्रदर्शित होगी 1/5 एमएम द्वारा ना, इसीलिए 50 ट्रेन प्रदर्शित होगी बराबर 1/5 इंटू आपके 50 ना इंटू 50 एमएम द्वारा ना, तो आप काटते हैं 10 एमएम आता है ना, यानी आपके पास इसकी जो रेखा खींचनी है वो खींचनी है आपके 10 एमएम है ना। ऐसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे सेम यहाँ पे 40 रखेंगे 1/5 इंटू 40 क्या आया 8 एमएम, इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/5 इंटू 30 तो 6 एमएम ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे 1.5 इंटू 8 ना 5 तो 1.5 एमएम है ना, इसका नीचे वाला का सॉल्यूशन करेंगे तो 3 एमएम ना, तो और 33 का सॉल्यूशन करेंगे आप 1/5 इंटू 33 ना 6.3 एमएम, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4.2 एमएम, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे 4.25 एमएम ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3.2 एमएम है ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2.5 एमएम है ना। ये आप गणितीय विधि द्वारा निकालना, जैसे मैंने आपकी इस विधि द्वारा निकाल ली, मेरे को मिटाना पड़ेगा ये, एक बार ये देख लेना कि मैंने मिलीमीटर कैसे निकाले हैं। जो हमने मापक लिया है उस मापक को मैं एक बार ब्रैकेट में बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने आपके सामने कौन सा मापक लिया है। मापक लेने के लिए अपने को मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को देखना है और ऐसा मापक लेना है जो इन दोनों को जस्टिफाई कर सके। देखो मिनिमम में भी आ गया आपके ये है ना, और मैक्सिमम में भी आपके आ गया, और आप 10 एमएम आराम से बना भी, 1 सेंटीमीटर होता है 10 एमएम बराबर, तो वो भी आप आराम से बना सकते हो ना। ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूं, देख लेना 5 ट्रेन प्रदर्शित होती है 1 एमएम द्वारा, तो 1 ट्रेन होगी बराबर 1/5 एमएम, इसलिए 50 ट्रेन होगी बराबर 1/5 इंटू 50 एमएम। तो ये आपके पास सारे मैंने ये डाटा आपके साथ निकाल के मैंने मिलीमीटर निकाल दिया। मिलीमीटर निकालने के बाद ना एक बार मैं इनको रफ कर देता हूँ ना, देखो फिर अपने पास एक मैप आएगा, कच्चा मैप है ना, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि भाई पुरानी दिल्ली से चारों तरफ कौन कौन से स्टेशन जाते हैं है ना, बीच में आपको लेना है पुरानी दिल्ली वाला स्टेशन ना, बीचों बीच आपके जो है वो ओल्ड दिल्ली है, ये मान के आप चलो कि भाई यहाँ पे आपके ओल्ड दिल्ली है ना। देख लो आप पुरानी दिल्ली एक बार, पुरानी दिल्ली दो बार, पुरानी दिल्ली तीन बार, पुरानी दिल्ली चार बार,
इसका मतलब आपके बीचों बीच जो स्टेशन आ रहा है वो पुरानी दिल्ली आ रहा है। तो पहले आप पुरानी दिल्ली से कौन कौन सा मापक आपके जाता है, पहला है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली। अब मैं यहाँ पर मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास मैप बना हुआ नहीं है ना, तो माप मानने के लिए मैं एक बार जो आपके लिख लेता हूं कि भाई ये आपकी न्यू दिल्ली है ना। फिर आगे नई दिल्ली से निजामुद्दीन, ये आपके निजामुद्दीन है ना। फिर निजामुद्दीन से बदरपुर, ये आपके बलपुर है ना। फिर सरोजनी नगर से पूसा सड़क जाएगा, पूसा सड़क से वहां जाएगा है ना। ये आगे देखेंगे अपन किधर रखे है ना। पुरानी दिल्ली से सीलमपुर, मान लो पुरानी दिल्ली से सीलमपुर इधर है ये है ना। फिर पुरानी सीलमपुर से नंदनगिरी, सीलमपुर से नंदनगिरी मान लो इधर है ठीक है। और पुरानी दिल्ली से पूसा सड़क, पुरानी दिल्ली से पूसा सड़क मान लो नीचे है ना। पुरानी दिल्ली से शालीमार बाग, शालीमार बाग मान लो इधर है ठीक है। और प्रहलादपुर, पूसा सड़क से प्रहलादपुर, पूसा सड़क से प्रहलादपुर मान लो इधर है ना। और प्रहलादपुर से जो आ रहा है आगे लास्ट पालम विहार, प्रहलादपुर से पालम विहार यहाँ पे है। एक बीच में और आ गया सरोजनी नगर, ये मान लो इधर सरोजनी नगर है। ये मैंने कच्चा मैप ड्रॉ कर लिया आपके सामने है ना। अब इस कच्चे मैप को ड्रॉ किया है, अब आपको सड़कों की चौड़ाई डिसाइड करनी है, तो मैंने यहाँ कर दी है ना। ये आपके कितनी कितनी चौड़ी सड़कें हैं, सड़कों का मतलब यह है कि भी यहाँ यातायात कितना है, उसके आधार पर ट्रेन की संख्या के आधार पर हमने यहाँ देखो जो बीची सड़क आएगी वो चौड़ी आएगी ना, नहीं तो छोटी आएगी। देखो सबसे पहला अपन लेते हैं पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली ना, तो पुरानी दिल्ली से अपन नई दिल्ली लेते हैं है ना। देखो ओल्ड दिल्ली है और न्यू दिल्ली है, उसमें कितना आ रहा है 10 mm। लो आप रूलर है ना, रूलर लो और रूलर लेके 10 mm खींच दो इसके ऊपर है ना। मैंने यहां रखा और यहां से 10 mm खींच दिया। न्यू दिल्ली पे भी ले जाना है और यहां से भी 10 mm खींच दिया है ना। तो फिर क्या करना है अपने को, मिला लो इस दोनों को है ना। स्केल है तो आप स्केल की सहायता से मिला लो, और नी भी है ना तो एकदम सीधी लाइन आपको बनानी है। देखो है ना इस प्रकार से ये बना दी पुरानी दिल्ली से लेकर नई दिल्ली तक है ना इस प्रकार। और फिर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बाद में मैं कलर भर लूंगा, अभी तो मैं ब्लैंक रखता हूं। दूसरा नई दिल्ली से निजामुद्दीन 8 mm है ना, तो मैंने निजामुद्दीन को कहां रखा है देखो, मैंने रखा है निजामुद्दीन को यहां पे ना। कितना एमएम है ये देख लो, 8 mm। तो यहां से लेकर ये 8 mm ठीक है। सेम टू सेम आपको नीचे लाना है
ऐसे यहां देखो मैं ये सड़क बन गई है ना। फिर आपके निजामुद्दीन से बदरपुर 6 mm ना, तो निजामुद्दीन से बदरपुर 6 mm है ना। यस है ना, ये इस तरह से आपकी जो सड़कें सारी बनेगी ना, ध्यान रखना। फिर आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें बढ़िया सा आप ब्रैकेट बना दो या जो गोल गोल आप घेरा बना देना अपने हिसाब से, जैसे न्यू दिल्ली का अलग कलर से बनाना ताकि आपको नजर आए ना। न्यू दिल्ली के लिए ऐसा, बदनपुर के लिए ऐसा ना, ओल्ड दिल्ली के लिए ऐसा ना, पूसा सड़क के लिए ऐसा, शालीमार बाग के लिए ऐसा, न्यू दिल्ली के लिए ऐसा, ये बना दे ना। और फिर इसमें डार्क कलर कर दे, मैं सिर्फ ब्लैक ही कर रहा हूं आपके सामने है ना। फिर जितना आप इस प्रकार से ये हो गई ऐसे। तो इस तरह से आपके पूरा पूरा फ्लो चार्ट जो है यातायात वाला वो तैयार हो जाएगा है ना। तो क्या क्या किया हमने इसमें, ये सभी स्टेशन पे आपको करना है, मैंने आपको 3 स्टेशन पे करके बता दिया है ना। अब आपकी ड्यूटी है कि आपको सभी स्टेशन पर अपने हिसाब से ये पूरा करके एक बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। कोई हार्ड काम नहीं है, अगर ध्यान से करो तो आराम से हो सकता है ना। फिर आपके सरोजनी नगर से जो पूसा सड़क है ना, वो कहाँ है पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, सरोजनी नगर कहाँ है और पूसा सड़क कहाँ, ये सरोजनी नगर है तो ये पूसा सड़क है, इनके बीच है ना कितनी बनेगी क्या बनेगी, इसके लेके दोनों साइड में माप का ऐसा काम करें। मान लो इसके आपके इधर भी दीवार हो गई, ये सड़क हो गई है ना, इधर भी आपके सड़क हो गई, इस प्रकार से यहाँ सड़कें हो गई सभी के, किसी में मोटी किसी में छोटी, माप के करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके हो जाएगी है ना। ये आपने सड़कें बना दी ना, फिर आपके बीच में जो आ रहा है ऐसे आप इसको मिला दो है ना, और इसको भी ऐसे मिला देना, और बीच में आपको पूरा पूरा डार्क कर लेना है ना, इसको बीच वाले नाम को छोड़कर ना, बाकी जो आप ऐसे डार्क कर लेना, केवल ओल्ड दिल्ली दिखना चाहिए ना, केवल आपके ओल्ड दिल्ली नजर आना चाहिए ना, इस प्रकार से सामने वाला देखना स्टेशन कैसा है। तिरछा है तो तिरछा लिखो, जैसे ये है इसके सामने तिरछा दिख रहा है ऐसे तो तिरछा करो है ना, ये ऐसे सीधा है सीधा करो है ना,
जैसे अगला स्टेशन है वैसे अपने को लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आप आराम से कर सकते हो, तो कर लेना। ये आपका फ्लो चार्ट है, प्रवाह आरेख है ना। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं थीमेटिक मानचित्र, जिसको अपन विषय एक मानचित्र भी कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुन लेना, किसी विषय विशेष के लिए उपयोगी या बनाए जाने वाले मानचित्र को विषयक मानचित्र कहते हैं। थीम के ऊपर बनाते हैं इसलिए इसको थीमेटिक मैप भी कहते हैं, है ना। विशेष थीम को लेंगे या विशेष सब्जेक्ट को लेंगे, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग मैप बनते हैं। जनसंख्या का अलग बनेगा, लिंगानुपात का अलग बनेगा, है ना, मृदा का वर्गीकरण का अलग बनेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग मैप बनता है ना। आपने फिजिकल ज्योग्राफी में 11th क्लास में बहुत सारे मैप देखे होंगे, है ना, वो सारे सारे मैप अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बने हैं, वही मैप थीमेटिक मैप कहलाते हैं। हिंदी में इसको विषयक मानचित्र कहते हैं, देखो, है ना। फिर इस थीमेटिक मानचित्र बनाने के लिए अपने को किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबसे मुख्य तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। थीमेटिक मानचित्र बनेगा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, आपको थीमेटिक मानचित्र के लिए डाटा जरूरी है, यानी किताब के अंदर आपके आंकड़े होंगे, डाटा होंगे, तो आप थीमेटिक मानचित्र बनाने की सोच सकते हो। दूसरा, किसका थीम मैप बनाना, राजस्थान का बनाना हो तो अपने पास राजस्थान का मैप होना चाहिए, उसमें जिले डिवाइड किए हुए होने चाहिए, जिले अलग अलग होने चाहिए, एक मैप काम नहीं आएगा, उसके अंदर जिले भी होने चाहिए। पहले 33 जिले थे, 50 है, तो 50 जिले वाला मैप अपने पास होना चाहिए, है ना। अगर आप भारत का मैप बना रहे हो तो भारत में जितने भी राज्य हैं आपके, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर होने चाहिए, तो आप मैप बना सकते हो। तीसरा है स्केल मापक, आप कोई भी मैप लेंगे उसके लिए आपको मापक डिसाइड करना पड़ता है। स्केल लेने के लिए अभी मैंने लिया था कि भाई एक ट्रेन बराबर नहीं, एक एमएम बराबर 5 ट्रेन है ना, ये हमने मैप लिया, देखो मापक लिया था, है ना, तो ये स्केल लेना जरूरी है ना। स्केल कैसे लोगे, आपके पास जो डेटा है उसमें दो नंबर देखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, है ना, न्यूनतम और अधिकतम को ध्यान में रखते हुए आपको स्केल लेना है ना। इन तीन चीजों के बारे में अपने पास जानकारी है तो आप आवश्यकता है हम थीमेटिक मैप बना सकते हो। फिर थीमेटिक मैप बनाने के नियम सामने लिखे हैं, उस क्षेत्र का नाम लिखेंगे, यानी आपके पास जो भी क्षेत्र है राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण, तो आप ऊपर लिखेंगे शीर्षक राजस्थान, नीचे लिखेंगे मृदा वर्गीकरण। भारत में रेनफॉल दिखाना है, वर्षा दिखानी है, ऊपर लिखेंगे भारत, नीचे लिखेंगे रेनफॉल, है ना, या वर्षा, ये लिखेंगे। तो पहला आपके साथ पांच होना चाहिए क्षेत्र का नाम, भारत दे दिया। दूसरा उसका टाइटल, विषय का शीर्षक, किस चीज का बनाना है आपको, मृदा का बनाना है कि रेनफॉल का बनाना है कि डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का बनाना है कि पॉपुलेशन का जनसंख्या का बनाना है, किसका बनाना है वो आप लिखेंगे, है ना, तो वो आपके हो जाएगा टाइटल। जैसे होता है ना, आप पॉलिटिकल मैप पे देखो इतना बड़ा लिखा आता है भारत, है ना, और फिर छोटा सा नीचे लिखा आता है राजनीतिक। भारतीय मैप मैप को देखना, तो जो भारत है वो तो क्षेत्र का नाम है, जो राजनीतिक है वो विषय का शीर्षक है। आंकड़े का साधन और वर्ष, ये जरूरी है, आंकड़े कहां से लिए कि भाई हमने अपनी किताब से लिए, और ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, जनगणना 2001 भी हुई थी, 2011 भी हुई थी, तो हमारे जनगणना आंकड़े 11 के है, 1 के है, किस चीज के आंकड़े हैं वो अपने पास मौजूद होना चाहिए। संकेत चिन्ह, कोई भी मैप होता है उसके राइट साइड में इधर है ना एक ब्रैकेट बना होता है, और नीचे ऐसे बहुत सारे डब्बे बने होते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह से आप मानचित्र को पढ़ने में आपके आसानी होगी, है ना, ये संकेत चिन्ह आपके जरूरी है ना। फिर आपको कलरफुल करना है ना, उसमें आपको छाया देनी है ना, ये चीज के बारे में ये आप डिसाइड करोगे कि कौन सा रंग, हाँ फिक्स होता है, जैसे आपके पर्वतों के लिए भूरा रंग फिक्स होता है ना, आपके प्लेटू है पठार है उनके लिए पीला रंग फिक्स होता है,
मैदान है उसके लिए हरा रंग फिक्स होता है ना। कुछ कलर जो ऑक्सफोर्ड वाले जो एटलस बनाते हैं उसमें आपके ये कलर फिक्स कर रखे हैं, तो ताकि ध्यान रहे लोगों को कौन सी कलर का क्या चीज है। नहीं है फिक्स तो संकेत चिन्ह देके भी आप दे सकते हैं, है ना। ये आपको मैप बनाने से पहले, थीमेटिक मैप बनाने से पहले कुछ सावधानी आपको ध्यान रखनी है ना। बाकी का अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।